बंडल आपको दिया जा रहा है, लेकिन इस इवेंट को कंप्लीट किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको मिशन कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपको टोकन लेना है, सारा डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस इवेंट का डिटेल देने से पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, फ्री फायर में दिवाली इवेंट का कैलेंडर आ चुका है, जहाँ पे हमारा पहला इवेंट होने वाला दिवाली वॉरियर, जहाँ पे आपको ये मेल का बंडल दिया जाएगा। सेकंड इवेंट हमारा होने वाला दिवाली रॉयल, जहाँ पे आपको पता होगा कि गोल्ड कॉइन से स्पिन करना पड़ेगा, देन आपको ये ग्लोबल की स्किन मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा सेकंड दिवाली रॉयल आएगा, जहाँ पे आपको ये दोनों इमोट दिया जाएगा। और थर्ड यहाँ पे 10 नवंबर को आने वाला, जो कि अभी रिवील नहीं किया गया कि कौन कौन सा रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड कॉइन नहीं है और ये टोकन आपके पास नहीं है, तो मैंने इस वीडियो में काफी कमाल का ट्रिक शेयर किया हूं, जहां से आप लोग अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन और ये टोकन आप लोग कलेक्ट कर पाओगे। तो ये दोनों वीडियो को जाकर के आप लोग देख लेना, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस, यहां पे आप लोग देखो मिशन में क्या दिया गया कि आपको यहां पे मैजिक क्यूब भी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 11 नवंबर को वेट करना पड़ेगा। ये 11 नवंबर को मिशन आएगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपको ये मैजिक क्यूब भी मिल जाएगी और ये मिली वीपन की स्किन मिल जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले फ्री फायर में जो नया इवेंट आ चुका है, इसका नाम है डिवाइन वॉरियर बंडल। चलो यहां पे इस इवेंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं कि बेसिकली इस इवेंट में क्या करना पड़ता है, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। सो गाइस, यहां पे आप लोग देखो, ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर है, और यहां पे आपको बॉस दिख रहा होगा। इस बॉस को आपको मारना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास 200 यहां पे एचपी हो जाता है, तब जाकर के आप लोग मार पाओगे, ठीक है। तो मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में आपको सिपाही दिख रहा होगा, ये सारे सिपाही को आपको मारना है। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना कि आप लोग देखो, आपके कैरेक्टर के ऊपर 3 अंक आपको शो कर रहा होगा, तो उससे नीचे वाले अंक वाले को मार सकते हो। जैसे कि यहां पे आप लोग देखो, इस सिपाही के ऊपर 1 अंक है, तो 3 वाले ये बंदे को मार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8 वाले सिपाही को मारता हूं, तो उसको मैं मार नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा मारने के लिए। तो मूव करने के लिए यहां पे आपको क्लिक करना है, लेकिन हर मूव पे यहां पे टोकन लिया जा रहा है। और ये टोकन आपको कहां से मिलेगा, यहां पे आप लोग देखिए, डेली यहां पे मिशन दिया जाएगा, जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आज का जो मिशन है, जहां पे आपको 10 यहां पे मैच खेलना पड़ेगा, 12 मैच खेलना पड़ेगा और 10 हेडशॉट मारना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, देन यहां से आपको टोकन मिल जाएगा। चलो यहां पे मैं टोकन क्लेम कर लेता हूं, फटाफट सारे टोकन क्लेम कर लेता हूं। तो पर डे यहां पे आपको मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपको यहां पर से टोकन मिल जाएगा। टोकन का क्या काम है, यहां पे मूव पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको कैरेक्टर मूव करेगा। चलो यहां पे मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे जैसे मैं मूव पे क्लिक किया, अब ये बता रहा है कि आप पीछे जा सकते हो या फिर राइट साइड में जा सकते हो। चलो मैं यहां पे आ जाता हूं ताकि मैं सामने वाले बंदे को मार सकूं। तो यहां पे मेरा कैरेक्टर आ चुका है, फिर से मैं मूव पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे आप लोग देखो, राइट लेफ्ट सारे जगह पे मैं जा सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले बंदी को मारना, मेरे को ये सिपाही को। तो यहां पे मैं क्लिक करके, ये देखो मेरे कैरेक्टर यहां पे आया एक वाले के पास और उसको मार दिया। अब मेरे पास यहां पे 4 हो चुका है, ठीक है। और हर सिपाही को मारने के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा, जैसे कि क्लिक करके देख सकते हो कि हर सिपाही के ऊपर क्या क्या रिवॉर्ड रखा गया है। तो इस तरीके से आपको क्लिक करके देख सकते हो, और यहां पर गोल्ड कॉइन वगैरह भी मिलने वाली है। अब यहां पर क्या करना है, 4 मेरे पास अंक है, अब सामने वाले के पास 10 है 8 है, तो किस तरीके से मेरे को मारना है। तो जिसके पास कम है उसके पास जाकर के मारना है। तो देखो, यहां 3 वाले को मैं मारना चाहता हूं या फिर 2 वाले को मारना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके पास में जाऊंगा और यहां पर मैं क्लिक करूंगा और आगे मूव होगा मेरा कैरेक्टर। फिर से क्लिक करूंगा और फिर आगे मेरा कैरेक्टर मूव होगा, और फिर से मैं क्लिक करूंगा और मेरा कैरेक्टर फिर से आगे मूव होगा, और ये आगे मूव हो चुका है। अब यहां पे आप लोग देखो, सामने वाले को मैं मारता हूं, तो 3 वाला है, यहां पे 2 वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 वाले को स्टार्ट करूंगा मारने के लिए। तो मूव पे क्लिक करूंगा और पीछे वाले सिपाही को मैं मारूंगा, ठीक है। ये पीछे गया और ये मेरा 6 अंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं 6 से जो नीचे वाला रहेगा ना, उसको मैं मार सकता हूं। अभी भी मेरे पास एक टोकन है, चलो यहां पे मैं मार के दिखाता हूं। इस बार हम लोग ये 4 वाले को मारते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा, सॉरी यहां पे मेरे पास टोकन अब नहीं बचा है। सो बेसिकली यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग समझो, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर रहेगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर यहां पे अंक लिखा रहेगा, ठीक है। आपको सिपाही को मारते हुए यहां पे 200 से ज्यादा अंक आपको करना पड़ेगा, देन आप लोग जाकर ये बॉस को आप लोग मारोगे, फिर यहां से आपको ये वॉरियर वाला बंडल मिलेगा। अब मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके लिए यहां पर से टोकन लगता है। टोकन कहां से मिलेगा, मिशन में आपको जाना है, मिशन कंप्लीट करना, देन आपको टोकन मिलेगा। उसके बाद टोकन यूज करके मूव कीजिए और सामने वाले सिपाही को मारते मारते आप लोग 200 जब कर लोगे, फिर ये बॉस को आप लोग जाकर के मार सकते।